यात्रीगण की ध्यान दें, साउथ टूर शुरू होने जा रहा है। सीट बेल्ट बांध लें, डिवाइस को फुल स्क्रीन कर लें। आपको चाहिए तो आप टीवी पर भी देख सकते हैं। यदि आप हमारे साथ पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राहुल बाबा की मस्ती को आपकी शुभ यात्रा की कामना करता है। और आइए शुरू करते हैं आप और मैं, आइए। चेन्नई एक्सप्रेस जिसकी बाद हम शुरुआत करते हैं, जिसकी शुरुआत इंदिरा गांधी ने 1976 में 7 अगस्त को की थी, तमिलनाडु एक्सप्रेस की शुरुआत। और आज ये वीकली एक्सप्रेस है और जो क्या नाम है, रात की 10 बजे चलती है नई दिल्ली से और चेन्नई पहुंचती है एक दिन बाद 7:10 पर नेक्स्ट दिन। और इसका सफ़र जो है आप मेरे साथ तय करेंगे तमिलनाडु एक्सप्रेस का, और गाड़ी हमारी प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है और सफ़र शुरू करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इसका सफ़र जो है कुछ मज़ेदार होने वाला है। अब बात आती है इसके कोच की। इसमें एक एसी फर्स्ट क्लास है जिसकी कॉस्ट है 5,160 रुपीज़। एक एसी सेकंड क्लास है जिसकी कॉस्ट है 3,050 रुपीज़। और एक एसी थर्ड क्लास है जिसकी कॉस्ट है 2,050 रुपीज़। और एक स्लीपर क्लास है जिसमें मैं जा रहा हूँ, और इसमें खाने पीने के लिए पेंट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। और क्या नाम है, हम इसमें बात करते हैं, इसमें 70% जो है साउथ इंडियन लोग जाते हैं, क्योंकि कहाँ पे तमिलनाडु जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है, विजयवाड़ा की तरफ जा रही है, इसलिए इसमें 70% साउथ के लोग जाते हैं। हमारी जो ट्रेन है वो चल चुकी है, आप भी देख सकते हो, नई दिल्ली से, और हमें पूरा चेन्नई तक जाना है। इसका सफ़र आप और मेरे साथ तय करेंगे, और ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम है, ये आप देख सकते हो, नई दिल्ली से हमारी ट्रेन चल चुकी है। पहला स्टेशन आ चुका है आगरा, आगरा कैंट। और मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने 195 किलोमीटर जर्नी जो है कम्प्लीट कर ली है, और मेरे को काफ़ी नींद से आ रही है। अब रात के 1 बज गए हैं, आपको रात के 1 बज गए हैं, और मैं 2 स्टेशन स्किप करूँगा, इटारसी और ग्वालियर, वो 2 स्टेशन मैं स्किप करूँगा, और मैं आपको मिलूँगा भोपाल में, क्योंकि भाई मुझे क्योंकि चेन्नई तक जाना होगा तो मुझे 2 स्टेशन स्किप करने पड़ेंगे। उसके बाद मैं चलता रहूँगा सफ़र, आपको करवाता रहूँगा।
और स्टेशन भी काफ़ी खाली पड़ा है और ट्रेन हमारी टाइम पर है, कोई लेट नहीं कोई बिफोर नहीं, सिर्फ ओनली राइट टाइम पे है। अगर आप कभी भी आगरा आओगे तो आगरा से आप पंछी पेटा जरूर लेना, क्योंकि यहाँ का जो पंछी पेटा है ना वो बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत ज़्यादा बिकता है यहाँ पे, और बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं ना सबसे पहले वो आगरा का पंछी पेटा जरूर खाते हैं, तो एक बार आप आगरा का पंछी पेटा जरूर खाना। स्लीपर क्लास में हूँ और ये ट्रेन में 70% जो है साउथ के लोग बैठे होते हैं, जैसे कि मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे भी साउथ के लोग बैठे हुए हैं, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सारे साउथ के हैं, ये भाई बैठे हैं। हेलो भोपाल और इसका कोड है BPL और यहाँ पर 172 ट्रेन पर डे अप डाउन होती है, और आज 2 अक्टूबर के दिन है तो यहाँ पे संत निरंकारी जो सेवादल जो होते हैं वो आज सफाई अभियान भी कर रहे हैं, जैसा कि मैं पीछे की तरफ देख रहा हूँ यहाँ पे जाइए संत निरंकारी सेवादल के जो जवान हैं और यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे हैं, और स्टेशन भी काफ़ी इन्होंने साफ़ सफाई कर चुके हैं, और भोपाल जो है यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है, जैसे यात्री के लिए वेटिंग लिस्ट की सुविधा उपलब्ध है और रेलवे पुलिस फोर्स की सुविधा उपलब्ध है और फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है, अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो उसके हेल्प सेंटर की सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ पर इटारसी के लिए लाइन कटती है और मुंबई सेंटर के लिए भी लाइन कटती है, इसलिए यहाँ पर 24 घंटे हर 1 घंटे बाद कोई ना कोई ट्रेन अप डाउन होती रहती है यहाँ पर, और हम आ रहे हैं भोपाल, इसके बाद पड़ेगा इटारसी भोपाल। हम 740 किलोमीटर की जर्नी कवर कर चुके हैं भोपाल तक, और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा मेरा स्लीपर में, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, एक काफ़ी अच्छा स्लीपर में सफ़र रहा, एसी वगैरह में तो फिर बैठे रहो ना बाहर की हवा ना विंडर, अब मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है और मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, और ऐसी सफ़र शुरू है और चलता रहेगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है भाई मेरे लिए, ठीक है भाई, इसलिए लाइक ज़रूर करना है। हमारी ट्रेन भोपाल से चल चुकी है, अब हम रुकेंगे इटारसी जो पड़ेगा दिल्ली से 900 किलोमीटर, और स्टेशन काफ़ी अच्छा रहा, साफ़ सफाई भी हो रही है काफ़ी, निरंकारी जो ऑफिसर उन्होंने काफ़ी साथ दिया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। भोपाल
भाई इटारसी और अब तक हम कर चुके हैं 820 किलोमीटर दिल्ली से इटारसी पड़ता है और अब इस ट्रेन के लोको पायलट गार्ड यान सब कुछ चेंज होंगे, टीटी वगैरह सब कुछ दूसरे लगेंगे। पहले जो लगा था वो दिल्ली का इंजन लगा हुआ था, टीकेटी का, तुगलकाबाद का, अब वो भी चेंज हो गया, यहाँ का इटारसी का इंजन लगेगा जो आगे महाराष्ट्र पड़ता है वहाँ के लिए जाएंगे। और पब्लिक बहुत इंजॉयमेंट कर रही है भाई देखने के लिए, और ये काफ़ी कुछ ना कुछ चेंज करोगे, लीकेज वगैरह करोगे, बिल्कुल लीकेज बनाएंगे इसलिए। तो अब इस ट्रेन का सब कुछ चेंज हो जाएगा, इंजन, गार्ड, लीकेज वगैरह सब कुछ। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इटारसी से तीन लाइन कटती है, एक जाती है मुंबई सेंटर पनवेल कल्याण के लिए, एक जाती शिरडी मनमाड़ नासिक के लिए और एक जाती नागपुर के लिए। और यहीं से इटारसी से तीनों रूट मुंबई के लिए जा रहे हैं और हम जाएंगे आज नागपुर के लिए। और इटारसी वाला जो रूट है वो हमारी जो है यहीं से लाइन चेंज होती है, और तीनों लाइन का सफ़र मैं कर चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ नागपुर वाले में। और ट्रेन हमारी चल चुकी है, जर्नी दोबारा स्टार्ट है और मोस्ट आई रही है, और दिखाते हैं आपको नॉलेज। कभी ये ट्रेन लेट होती है 53 मिनट, कभी बिफोर हो जाती है 10 मिनट। इस तमिलनाडु एक्सप्रेस का भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, और ना मेरे हाथ में है, कभी लेट हो रही है, कभी जल्दी हो रही है, कभी फास्ट हो रही है। और अब इटारसी से निकल चुके हैं, अब हमारा अगले दिन पड़ेगा नागपुर, जो दिन में पड़ेगा 1 या 1:30 बजे, अभी बज रहे हैं 9, उसके बीच का सफ़र मैं आपको दिखाता हूँ और मौज कराता हूँ।
आने में भाई 4 घंटे लगे इटारसी से कम नागपुर आने में, और मेरी तो हालत ख़राब होगी, 2 घंटे में सो भी चुका। और अब आ गए हम नागपुर, इसका कोड है NGP, नागपुर का जो कोड है NGP। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, सबसे ज़्यादा जो महाराष्ट्र के अंदर जो फिल्मों की शूटिंग होती है रोड की, वो होती नागपुर में। जैसा कि आपने पिक्चर देखी होगी टारजंडा वंडा कार, उसमें जो हाईवे जो लिया है वो नागपुर का लिया है। उसके अलावा बहुत सारी जो मूवी है ना, उनकी शूटिंग जो है नागपुर के हाईवे में ली गई है। हम आ गए नागपुर, और नागपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ से महाराष्ट्र चालू हो जाता है, ये महाराष्ट्र का जो मतलब इस ट्रेन का पहला जो स्टेशन है वो महाराष्ट्र का यही पड़ता है। इससे पहले जो था वो था मध्य प्रदेश में, अब आ गए हम महाराष्ट्र में। तो अब आ गए हम नागपुर। नागपुर से भी हम निकल चुके हैं, गाड़ी 1 घंटे लेट थी 53 मिनट, पर उसने काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, 4 घंटे बिल्कुल लगातार चली, फास्ट चली, उसने अपने जो टाइम है पूरा कवर कर लिया, और बिल्कुल गाड़ी राइट टाइम है। और हम नागपुर से निकल चुके हैं, आप ही देख सकते हो। बलारसा, और बलारसा जो है क्या कहते हैं महाराष्ट्र का लास्ट स्टेशन पड़ता है बलारसा। और क्या नाम है, मैं अब तक महाराष्ट्र के 2 लास्ट स्टेशन कवर कर चुका हूँ, एक है भुसावल जो आपने देखा होगा गोवा एक्सप्रेस में, और एक है बलारसा। इसके बाद जो पड़ेगा वो पड़ेगा वहाँ वरंगल जो पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तक हम इस तमिलनाडु एक्सप्रेस से यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र कवर कर चुके हैं, अब हम जाएंगे आंध्र प्रदेश की ओर, उसके बाद हमारा पड़ेगा चेन्नई। तो अब हमारा जो है 3 स्टेट कवर हो चुके हैं, अब बलारसा जो है एंड का स्टेशन है महाराष्ट्र का। इसके बाद जो वरंगल पड़ेगा वो पड़ेगा आंध्र प्रदेश में। तो यानी कि हमें अब तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी, और अलाउंसमेंट जो होती है ना, जो ट्रेन के अलाउंसमेंट होती है वो भी चेंज हो जाएगी, वो भी मतलब बाकी लैंग्वेज में होगी। ये तो महाराष्ट्र में हो रही है, क्योंकि लास्ट है महाराष्ट्र का। आप इस तरफ जाओगे तो आपको महाराष्ट्र का पूरा मिलेगा, मुंबई पनवेल सब मिलेगा इटारसी की तरफ, और इससे आगे जाओगे तो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश के केले, फल फ्रूट, तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी। तो उसका भी हम इंजॉयमेंट करेंगे, और वो भी आपको दिखाएंगे और मौज कराएंगे। तो चलिए, यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉल पर सिग्नल मिल चुका है, और मैं गाड़ी के अंदर चलता हूँ, और अगले स्टेशन पर आपसे फिर दोबारा मिलते हैं। और एक अगर हाँ जर्नी आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सिर्फ ट्रेन के लिए और मेरे लिए, ठीक है भाई। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll
रोज की यहाँ पे इतनी सवारी होती है और यहाँ पे पीछे की पेंटिंग देखो कितनी बढ़िया बना रखी है। आंध्र प्रदेश में हम आए हैं और काफ़ी मतलब मुझे अच्छा लगा है। सबसे पहले मुझे अब तक का सबसे प्यारा ना स्टेशन यही लगा मुझे वरंगल, और काफ़ी इसकी पेंटिंग दिखाता हूँ मैं आपको, पेंटिंग कितनी अच्छी लगती है। और यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, जब तक मैं आपको पेंटिंग दिखाता हूँ। अब मैं थोड़ा पानी वानी भरूंगा, मुझे ना स्टेशन कुछ पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि अब ना लैंग्वेज चेंज हो गई है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये आप देख रहे हैं मेरे ऊपर, तो अब मेरे समझ से बाहर है थोड़ी अलाउंसमेंट और लैंग्वेज वगैरह मेरे समझ से बाहर है, पर हिंदी में होती है, हिंदी में पर थर्ड नंबर पे होती है। पहले मैं आपको पेंटिंग दिखाता हूँ, फिर यहाँ के लोग वगैरह दिखाता हूँ कैसे कैसे अड़खड़े लोग हैं, फिर उसके बाद मैं खाना वाना कर दूँगा भाई, मैं भी थोड़ा अपने लिए करूँगा, पहले पेंटिंग दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हो यहाँ की पेंटिंग है, आंध्र प्रदेश की शान, वरंगल की पहचान, देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी अच्छा बना रखा है इन लोगों ने, ये आप देख सकते हो। ये मतलब यहाँ की जो चीज़ें होती हैं ना उनके बारे में बना रखा है, जैसा कि आप देख रहे हो। अब यहाँ की जो लोग हैं मैं उनको दिखाता हूँ कैसे लोग रहते हैं, आपको क्या है। ऐसे लोग रहते हैं, ये पजामा पहन के और सब कुछ पहन के, और स्टेशन भी काफ़ी साफ़ सुथरा है। ये हमारे स्टेशन का कोड है जो आप देख सकते हो, साफ हो रही है, लाइट ज़्यादा पड़ रही है, काफ़ी साफ़ सुथरा स्टेशन है। अब तक का मुझे बढ़िया स्टेशन यही लगा। दिस इज सेकेंड लास्ट स्टेशन विजयवाड़ा, जिसका कोड है BZA, और विजयवाड़ा पड़ता है साउथ में। और आप मेरे पीछे देख रहे हो ये कुछ लैंग्वेज हिंदी समझ में आता है पर साउथ समझ में नहीं आता, साउथ बाहर पड़ता है इसलिए अपनी समझ से बाहर है। तो दिस इज सेकेंड लास्ट स्टेशन विजयवाड़ा, अभी बज रहे हैं रात के 12:05 हो रहे हैं, बिल्कुल गाड़ी राइट टाइम है, 12:10 हो गए हैं, गाड़ी बिल्कुल राइट टाइम है। अब इसका जो स्टेशन पड़ने वाला है चेन्नई, वो पड़ेगा मॉर्निंग में 7 बजे, ठीक 7:10 पर पड़ेगा चेन्नई। उसके अलावा बीच में नॉन स्टॉप ट्रेन है और ट्रेन राइट टाइम है, और मतलब कोई प्रॉब्लम ट्रेन के अंदर नहीं है, जो चल रही है वो चला रहे हैं और मौज आ रही है वो दिखा रहे हैं। और विजयवाड़ा पे साउथ की जो स्टेशन है यहाँ पे लोको गार्ड, इंजन और TT ये सब चेंज होते हैं और आगे तक के लग जाते हैं मोबाइल, और CRB अब भी काम कर रहे हैं अच्छा, उन्होंने किसी मोबाइल वाले को पकड़ा है जो चुराते उड़ाते हैं। तो विजयवाड़ा साउथ का बहुत बेस्ट स्टेशन है, और मैंने ज़्यादातर की देखा है कि 70% मूवियों में देखा मैंने साउथ की, जो विजयवाड़ा कोई स्टेशन का नाम आता है और विजयवाड़ा को चुनते हैं मूवी के लिए, दैट इज़ विजयवाड़ा। ओके, Thank you.
फाइनली कंप्लीट हुई हमारी दिल्ली से चलने तक की पूरी, मतलब बोल सकते हैं इंडिया घूम लिया हमने एक तरीके से। फाइनली कंप्लीट हुआ दिल्ली से चेन्नई तक की जर्नी और हम आ गए चेन्नई सेंटर, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। इसका बोर्ड वगैरह सब कुछ चेंज होना है, चेन्नई सेंटर हम आ गए हैं। इसका कोड है MAS। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। वीडियो का कोई कमी हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। और हम जा रहे हैं अब यहाँ से तिरुपति बालाजी, उसका भी ब्लॉग्स आने वाला है तो वो भी आप ज़रूर देखना एक बार मेरे चैनल पे, आई बटन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग्स में। ध्यान रखना, टेक केयर, ऐसी जर्नी करते रहेंगे, कराते रहेंगे आपको। ठीक है, बाय, मिलते हैं।